गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 17 में पहला क्वेश्चन होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? इसमें तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना था और इसमें हमें डिवाइड करके निकालना है। दो नंबर दिया हुआ है, 108 और 144। किसी किसी में तीन नंबर भी है, मैं आपको सारे समझाऊँगी, तीन नंबर वाले भी समझाऊँगी, पहले दो नंबर वाले। यहाँ पर दो नंबर दिए हुए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा छोटा नंबर है इसको हम डिवाइज़र बना देंगे और इसको हम डिविडेंड। अब 108 से 144 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ये, वन टाइम्स में 108। माइनस करेंगे 36 जीरो। अब इसके बाद हमें दोबारा तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसको हमें डिवाइज़र बनाना है और अगेन इसको हमें डिविडेंड बनाना है। ये होता है हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। अब 36 इसको डिवाइड करेंगे तो शायद 3 टाइम्स में हो जाएगा, 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ये और ये नहीं होगा, ये जो लास्ट में हमने जिस नंबर से डिवाइड किया वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा जो है HCF, क्योंकि हमें HCF निकालना है, फाइंड द HCF लिखा हुआ है, HCF ऑफ 108 एंड 144 इक्वल टू 36 इज़ द आंसर। बहुत आसान है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके मैं बताती हूँ। 364 और है हमारा 560। 364 को हम डिवाइज़र बनाएंगे, 560 हमारा डिविडेंड होगा, ओके। 364, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारा वन टाइम्स में ही लगेगा, यहाँ पे लगा यहाँ पे लगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमारा नंबर के अकॉर्डिंग ही होगा, आप उसको देख करके ही डिवाइड करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 364। अब 3 टाइम्स में होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ भी 1 बार में ही लगेगा, 196। और एक चीज़ ध्यान रहे, जब तक हमारे ये लास्ट में ज़ीरो नहीं आता तब तक हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 168 हो गया, यहाँ फिर से इसको हम ले लेंगे 196, जब तक हमारा जीरो नहीं आएगा तब तक हमें डिवाइड करना है। वन टाइम्स में देख लेते हैं, नहीं आएगा सेवन में, कितने टाइम्स में लगेगा फिर, 6 टाइम्स में ट्राई कर लेते हैं। सिक्स टाइम्स में हमारा ये फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा HCF क्या होगा, 364 और 560 का HCF हो जाएगा 28। HCF ऑफ 364 एंड 560 इक्वल टू, जो लास्ट वाला नंबर डिवाइज़र हमारा है यही हमारा आंसर रहता है, ओके। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे। एक आपको मैं काफ़ी बड़ा नंबर है वो करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, ठीक है। 891 और है 1215। अब यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, 891 1215। अब बड़ा नंबर देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। इसमें हमें डिवाइड करना है, वन टाइम्स में ही होगा ये भी, 891।
माइनस कर लेंगे। आप देखते जाओ कि मैं डिवाइड करती हुई जा रही हूँ, जो हमारा डिवाइज़र है वो हमारा डिविडेंड बनता जाता है, फिर ये डिवाइज़र से डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो डिविडेंड बन जाएगा। 2, 4, 3, 1 तो हमारा क्या हो गया HCF 81। 1, 2, 3, 4 बार डिवाइड किया हमने और 4 बार में हमारा आंसर निकल के आ गया। तो हम लिख लेंगे HCF ऑफ कौन कौन सा नंबर था, 891 एंड क्या नंबर है, 1215 इक्वल टू 81 इज़ द आंसर। ठीक है, अब इसमें हमारे इसके आगे जो भी हैं 3 डिजिट वाले, उसमें से आपको मैं करके समझा देती हूँ एक क्वेश्चन, फिर आप लोग सारे क्वेश्चन इसको आज फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 1081144 and 216। ओके, तो इसमें हमें 3 डिजिट है, जबकि हमने पहले में 2 डिजिट क्या किया था, 108144, और इसमें ये दोनों के बाद एक और तीसरा डिजिट है। अब इसको कैसे करेंगे, 108144, पहले इसका हम निकालेंगे HCF। अब हमारा इन दोनों का HCF निकल के आ गया 36, लेकिन हमारा तीसरे डिजिट से भी निकालना है, तो ये 36 को लेकर हम थर्ड डिविजिट जो हमारा तीसरा डिजिट है उससे हम डिवाइड कर लेंगे। इसको यहाँ लिख लेंगे 36 और ये 216। ठीक है, अब ये 6 टाइम्स में जाएगा साइड से, ये एक ही बार में कट गया हमारा, तो हमारा इसका भी LCM तीनों का HCF 36 होगा। लिख देंगे यहाँ HCF ऑफ 108144 and 216 इक्वल टू 36 इज द आंसर। ठीक है, एक बड़ा नंबर है जो कि मैं आपको करके समझा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। 1610 2116 3289। अब इसमें हमारे सारे नंबर 4 4 डिजिट गया, बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं इसको भी। आप लोगों के सामने मैंने कितने सारे क्वेश्चन कर दिए, आप लोग भी सारे क्वेश्चन कर पाओगे, कोई टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा ये। 0 1610 ये कट होगा, आ गया 10 में से बन गया तो 9। तो हमारा 1610 और 2116 का HCF आया है 46। अब इस 46 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 46 3289
अब हमारा यहाँ चार डिजिट है, एक ही साथ चारों में डिवाइड नहीं होगा, तो जो हमारा डिवीज़न मेथड है उसको फॉलो करेंगे। पहले दो डिजिट में नहीं होगा, तीन डिजिट में होगा तो तीन में करेंगे। सिक्स जीरो जीरो, यहाँ से हम नाइन उतार लेंगे। हम दोनों डिजिट सारे डिजिट से डिवाइड करेंगे तभी हम ये इसको हम डिविडेंड बनाएंगे। जब तक हमारा सारा डिजिट से डिवाइड नहीं होता तो हम नॉर्मल डिवीज़न मेथड से डिवाइड करेंगे। तो अब हमारा क्या आ गया, एलसीएम एचसीएफ, वन एचसीएफ ऑफ 1610 और क्या है 2116 एंड 3289 इक्वल टू 23 इज़ द आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को ये मेथड सबसे आसान लगेगा जब आप खुद से करोगे। ओके, तो आज हम ये चैप्टर 15 क्वेश्चन है इसमें बचे हुए सारे ख़त्म करेंगे। ओके।